नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। रविवार को चार राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया, जिसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस तीन राज्यों में चुनाव हार गई, जिसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई ईवीएम में सेटिंग की बातें कर रहा है, तो कोई बैलेट पेपर के बॉक्स समय से पहले खुलने की बातें कह रहा है। लेकिन इन सब फालतू की बातों से इतर कांग्रेस को दरअसल कांग्रेस नहीं हराया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जैसी अनुशासन का पालन करने वाली पार्टी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसमें अनुशासन की कहीं नजर नहीं आता। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने आला कमान की बातों को हर हालत में मानने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, जिसे आंतरिक कला से ही फुर्सत नहीं है। एक तरफ बीजेपी जिसकी पहुंच हर बूथ तक और सभी जनता तक है, वहीं कांग्रेस महज कुछ रैलियों के जरिए ही अपनी पीठ थपथपा लेती है। एक तरफ बीजेपी जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास अब तक कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं है। एक तरफ बीजेपी जो एकता में बल की थ्योरी पर विश्वास करती है, दूसरी ओर कांग्रेस जिसे सिर्फ सत्ता का लोभ है। एक तरफ बीजेपी जिसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में महारत हासिल है, वहीं कांग्रेस जनता से जुड़ने में नाकाम साबित हो रही है। एक तरफ बीजेपी जो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, वहीं कांग्रेस इस मामले में भी भाजपा से काफी पीछे है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के नतीजे कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि विपक्षी एकजुटता के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं माने जा रहे हैं। इस नतीजे ने न सिर्फ कांग्रेस के से दो राज्य राजस्थान व छत्तीसगढ़ की सरकार छीनकर एक राज्य मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से सत्ता से दूर पार्टी के सत्ता में आने का सपना तोड़ दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हैसियत व कद को भी जोरदार झटका दिया है। कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार जीत के बाद कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया में मजबूत धुरी बनाने की राह पर थी, उसमें यह हार एक बड़ा हिचकोला साबित होने जा रहा है। वहीं इन नतीजों का एक बड़ा नुकसान राहुल गांधी को भी होने जा रहा है, जिन्होंने पिछले साल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की, बल्कि खुद को एक गंभीर नेता के तौर पर सामने रखते दिखाई दिए। दरअसल इस यात्रा के बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद लोगों के बीच कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी बन चुके थे। इस हार के बाद कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद कांग्रेस में आया अति आत्मविश्वास व अभिमान को अहम वजह माना जा रहा है। कई पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेता ने राष्ट्रीय नेतृत्व व पार्टी के फीडबैक को दरकिनार कर चुनावी फैसलों में अपनी जिद व मनमर्जी चलाई, जिसका खामियाजा पार्टी की हार के तौर पर सामने आया। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत, कमलनाथ व भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने टिकट वितरण में पार्टी सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार कर अपने तरीके से टिकट बांटे। वहीं कई मामलों में पार्टी के भीतर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप भी लग रहे हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के बेहतर काम के बावजूद जमीन पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी, आपसी गुटबाजी भारी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सिंगल हैंडेड पार्टी चलाने का तरीका तवज्जो न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घर पर बैठना भारी पड़ा। इंदौर में कांग्रेस से जुड़े जयकिशन बौरासी का कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने वर्कर्स पर भरोसा करने की बजाय अपने परिवारजनों और किराए पर रखी फौज पर भरोसा किया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस वर्कर घर से नहीं निकले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त हार के पीछे सनातन वाला विवाद भी एक अहम कारक बना, जहां इंडिया गठबंधन के डीएमके नेता उदय निधि ने सनातन की तुलना डेंगू व मलेरिया से कर विवाद को जन्म दिया था, जिसमें कांग्रेस की चुप्पी व बचाव की कोशिश में कुछ नेताओं की फालतू बयानबाजी माहौल को पोलराइज कर गई। कहा जाता है कि इस विवाद के बाद बीजेपी सरकार से त्रस्त कांग्रेस के पक्ष में मन बना रहा शहरी वोटर वापस अपने खोल में सिमट गया। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता का कहना था कि इस बार कांग्रेसी वर्कर कुछ वैसा ही दूर हो गया था जैसे 2003 में दिग्विजय सिंह के दौर में। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के मामले, सीनियर नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी और बघेल का मनमाने तरीके से सरकार चलाने को जिम्मेदार माना जा रहा है। इन नतीजों से यह भी संकेत निकलता दिखाई दिया है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से जाति जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठा रही थी, वह भी लोगों के बीच कांग्रेस के पक्ष में काम करता नहीं दिखाई दिया, लोगों में इसे नाकार दिया। ऐसे में कांग्रेस को इसे लेकर अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा, और अगर कांग्रेस इस हार से सबक नहीं सीखती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा।
क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अपनी स्थिति नहीं सुधार पाई तो इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और पूरी तरह एकजुट होकर लड़ने के बावजूद इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को नहीं हरा पाएगा। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस से नाता तोड़कर बाकी पार्टियों के साथ एक नए गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी के हालात के मद्देनजर एक डूबती हुई नाव है जिसमें सवार होने वाले भी हर हालत में डूबेंगे। तो क्या ऐसा माना जाए कि इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस से नाता तोड़कर एक नए और अनुशासित गठबंधन का विस्तार करेंगे, क्योंकि मौजूदा हालात वाली कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हरा पाने में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।